मऊ जनपद के प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को अभी आधी अधूरी किताबें ही मिली हैं। जनपद में लगभग 50,000 माध्यमिक विद्यालय के बच्चे 6 माह बीतने के बाद किताब से वंचित हैं, जहां सरकार प्राथमिक विद्यालयों को सुधारने के लिए कायाकल्प से लेकर तमाम सुविधाओं का दावा कर रही है, लेकिन आलम यह है कि जनपद में अभी आधी अधूरी ही किताबें बच्चों को मिल पाई है। ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह का कहना है कि किताबें अभी पूरी उपलब्ध नहीं हो पाई है, जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। मामला यह है कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति यह है, हमको लग रहा है पूरे प्रदेश में, और मैं जिले मऊ जिले की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो है लगभग 45,500 बच्चे जो है पुस्तक से जो है प्राथमिक विद्यालयों पे उनको नहीं मिल पाई है, और विद्यालय अप्रैल माह से चल रहा है और अक्टूबर बीतने को है, जबकि यहाँ अधिकतर विद्यालयों पर पूरी किताबें नहीं आई प्राथमिक विद्यालय पर। अब इससे आप यह समझ सकते हैं ये स्थिति जो है हमारे प्राथमिक विद्यालयों क्या है, जिसके कारण प्राथमिक विद्यालयों के ऊपर से अभिभावकों का जो है मोह इसीलिए भंग हो रहा है। जब बच्चों की किताबें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं तो बच्चे कहाँ तक पढ़ेंगे, जबकि सरकार बार बार दावा जो है प्राथमिक विद्यालयों को कर रही है कि सुंदरीकरण किया, सुंदरीकरण करने से थोड़े जो है विद्यालय का सुधार होगा। जब इस संबंध में BSA डॉक्टर संतोष कुमार सिंह से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि नहीं, अभी जो है काफ़ी किताबें जो हैं अभी बाकी हैं आने के लिए। तो यह हम कहना चाहते हैं कि अगर जो है कि अभी अक्टूबर माह बीतने को है और किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही होगी। यही कारण है कि जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों कॉन्वेंट में भेजने के लिए मजबूर हैं और सरकार के कान पर जू तक नहीं रह गई है। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि इसको कई बार हम लोगों ने इसको अवगत करा चुका है कि पूरी किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, लेकिन सरकार प्राथमिक विद्यालयों केवल टाइल्स से लेकर के सुंदरीकरण में व्यस्त है, या उसको नहीं पता है सरकार को कि हाँ कि किताबें नहीं रहेंगी तो बच्चे शिक्षा कैसे लेंगे। राजेश दुबे, KTV मऊ।